सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने आया हूँ एन कंप्यूटिंग का ये MX100S मॉडल लेके। आज मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको कनेक्ट करने के लिए भी सिखाऊंगा, यानी इसका मैं आपको फुल सेटअप आज करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको इसमें एक एन कंप्यूटिंग का MX100S मेन डिवाइस मिलता है, यानी ये आपका मेन क्लाइंट है। इसके साथ आपको एक छोटा छोटा दो क्लाइंट मिलता है, ये आपका दो क्लाइंट हो गया स्पेशल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि तीनों मॉनिटर का आपका VGA केबल यहीं से आउटपुट होगा। ये अकेला एक डिवाइस तीन कंप्यूटर को कनेक्ट करके चलाएगा, यानी आप इसका यूज तीन अलग क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत जगह थिन क्लाइंट भी देखे होंगे, तो थिन क्लाइंट में होता है क्या, आपको सिंगल सिंगल यूजर कनेक्ट करना पड़ता है, यानी हर एक यूजर के लिए आपको स्पेशल एक थिन क्लाइंट लगाना होगा। लेकिन एन कंप्यूटिंग में होता है क्या, आप एक एन कंप्यूटिंग डिवाइस खरीदते हैं, ये आपको लगभग 15,000 के आसपास का आता है, और इसके साथ आप तीन कंप्यूटर को यानी तीन मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और ये डिवाइस आपका जल्दी स्लो नहीं होता है। थिन क्लाइंट में प्रॉब्लम होता है क्या, अगर आप ज़्यादा देर तक यूज किए और स्पेशल आपका थिन क्लाइंट ही सिर्फ फिट हुआ है तो वो यूजर स्पेशल स्लो हो जाता है, जो यूजर आपका थिन क्लाइंट से कनेक्ट होके चल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं इसको लगभग 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ, ऐसा सब डिवाइस यानी एन कंप्यूटिंग का। मेरे पास यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दो दो लैब है, एक लैब है जिसमें आपका 20 पीस कंप्यूटर लगा हुआ है और दूसरा अभी मैंने ये एक लैब न्यू बनाया है जिसमें 30 पीस कंप्यूटर लगा हुआ है, यानी ऐसा ऐसा डिवाइस मैंने 10 पीस परचेज करके लगाया है, यानी 10 डिवाइस लगाने से हर एक डिवाइस हमको तीन तीन सिस्टम कनेक्ट करके दे रहा है, यानी 30 कंप्यूटर का ये लैब मैंने न्यू बनाया है। तो आज मैं आपको इसका फुल सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। ये आपका एन कंप्यूटिंग डिवाइस है, दो क्लाइंट मिलता है इसके साथ आपको सिर्फ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ आपको एक एडाप्टर मिल जाता है, ये एक 12 वोल्ट का पावर एडाप्टर है, इसके थ्रू हम लोग इसमें पावर देंगे, और दो आपको USB केबल मिलता है जिसके थ्रू हम लोग ये छोटा छोटा दोनों क्लाइंट को यानी ये दोनों क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे मेन वाले से। आइए हम लोग इसको अभी सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सेटिंग करने के लिए सीखेंगे, यानी हम लोग को दो सेटिंग करना होगा इसका। पहले तो एक मेन सर्वर से सेटिंग करना होगा IP लगा के, और दूसरा हम लोग को इसमें एक IP लगा के कनेक्ट करना होगा, यानी स्पेशल हम लोग को ये डिवाइस का भी सेटअप करना होगा। तो सबसे पहले इसको अभी हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके पास जैसा आप देख सकते हैं तीन मॉनिटर और तीन माउस कीबोर्ड भी होना चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग माउस और कीबोर्ड। तीनों का VGA केबल इसी मेन क्लाइंट में यानी ये मेन एन कंप्यूटिंग में कनेक्ट होगा। इसमें सेंटर वाला आपका मेन होता है, ये सेंटर वाला VGA पोर्ट मेन मॉनिटर के लिए होता है, यानी ये आपका मेन कनेक्ट होगा तभी आपका लेफ्ट और राइट वाला मॉनिटर कनेक्ट होगा। तो इसमें अभी हम लोग मेन मॉनिटर एक कनेक्ट करते हैं, ये VGA केबल हो गया मेन वाले के लिए, ये लेफ्ट वाला मॉनिटर के लिए केबल, और ये राइट वाला मॉनिटर के लिए केबल। अगला हम लोग इसमें माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे। यहां पर हम लोग को USB पोर्ट मिल जाता है जिसमें हम लोग मेन वाले क्लाइंट का माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं इजीली।
टोटल आपको इसमें चार यूएसबी पोर्ट मिलता है डाउन साइड में यानी बैक साइड में, एक ये टॉप में है यानी इसमें आप अपना पेन ड्राइव वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ बैक में आपको चार मिलता है जिसका हम लोग दो यूज कर चुके हैं कीबोर्ड और माउस के लिए, और दो आपको मिलता है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट अभी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग इसका हार्डवेयर टोटल कनेक्ट कर लेंगे, तब हम लोग इसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के तरफ आगे बढ़ेंगे। ये केबल आपको साथ में ही मिलता है, इसी डब्बे में आएगा। एक यूएसबी केबल हम लोग यहाँ मेन क्लाइंट में कनेक्ट करेंगे। ये मेन से कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको इसका दूसरा छोर, ये छोटा वाला जो आपको क्लाइंट दिया हुआ इसके साथ, ये स्पेशल कीबोर्ड और माउस के लिए है, क्योंकि आपका मॉनिटर का तीनों वीजीए केबल मेन वाले में ही कनेक्ट होगा। इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये प्रिंटर जैसा आपको केबल मिल जाता है, और इसमें हम लोग छोटा वाला क्लाइंट का, सब क्लाइंट का, ये कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग का कनेक्ट हो गया, और इसको हम लोग बैक में लगा सकते हैं यानी हर एक मॉनिटर के पीछे में आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको मॉनिटर के बैक में। ये जो आपको ये प्लास्टिक का पोर्ट दिख रहा है, ये इसी एन कंप्यूटिंग डब्बे के साथ में आपको मिलता है। ये मॉनिटर के पीछे में पहले आप इसको कनेक्ट कर लीजिए यानी टाइट कर दीजिए, और फिर आप इसके पीछे देख सकते हैं होल बना हुआ है, इस होल को आप यहाँ फिक्स करके लगा सकते हैं। इसमें हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं घुमा के। अभी हम इसको नीचे ही रखते हैं क्योंकि हम लोग का कीबोर्ड और माउस का वायर अभी ऊपर आएगा नहीं, वायर को मैंने पूरा खोला नहीं है, ये मुड़ा हुआ ही है। अभी मैं इसको पहले कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। दूसरा क्लाइंट को भी अभी हम लोग कनेक्ट करते हैं। पहला क्लाइंट हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं मेन क्लाइंट से। यूएसबी पोर्ट में हम लोग यहां पर लगा देंगे। और इसका ये कीबोर्ड माउस स्पेशल, ये कीबोर्ड माउस के लिए ही होता है। एक बार फुल इसका आप हार्डवेयर कनेक्शन देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें तीन मॉनिटर कनेक्ट है, यानी आपको ये मेन क्लाइंट में ही मॉनिटर कनेक्ट करने का फैसिलिटी मिलता है। ये आपका एक मेन मॉनिटर के लिए वीजीए केबल हो गया, ये लेफ्ट वाले के लिए यानी सब क्लाइंट जो आपका, और ये आपका राइट क्लाइंट के लिए। तीनों मॉनिटर का वीजीए केबल आपका ये मेन क्लाइंट ही कनेक्ट करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक यूएसबी केबल कनेक्ट है, जो कि आपका एक ये सब क्लाइंट में आता है, यानी ये छोटा वाला क्लाइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मॉनिटर में माउस और कीबोर्ड, यानी सेकेंड मॉनिटर में आपको, या थर्ड मॉनिटर में माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने का ही फैसिलिटी देता है, सेकेंड और थर्ड क्लाइंट में आपको। ये आपका केबल मेन वाले क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, ये आपका प्रिंटर वाला केबल होता है यूएसबी टाइप का। ये सेम आपका केस राइट साइड वाले भी क्लाइंट में भी है, इसमें भी आपका एक यूएसबी केबल आया है राइट साइड वाले से इस क्लाइंट के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने का फैसिलिटी देता है। अब आगे इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये मेन वाले के लिए कीबोर्ड और माउस हो गया। अब इसमें आपका देख सकते दो पोर्ट खाली बचा हुआ है, एक आपका लैन पोर्ट है जिसमें हम लोग मेन सिस्टम से यानी मेन सर्वर जिसको आप बनाए मेन कंप्यूटर, वहां से एक हम लोग RJ45 कनेक्टर लाके, यानी ये एक लैन केबल लाके इसमें कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसको अभी हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। इसके साथ आपको एक 12 वोल्ट का एडाप्टर मिलता है, ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है, पावर एडाप्टर। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अभी क्लाइंट से, और इसमें हम लोग पावर सप्लाई करते हैं।
पावर देने के बाद आप देख सकते हैं इसमें पावर एलईडी ऑन हो चुका है। उसके बाद ये सेकेंड आपका नेटवर्क एलईडी है, यानी हम लोग लाइन केबल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क एलईडी भी ब्लिंक करेगा और ये पावर एलईडी हमेशा आपका फिक्स रहता है। ये बूटिंग होने में कुछ टाइम लगाएगा, उसके बाद आपको यहाँ मॉनिटर पे एन कंप्यूटिंग का लोगो के साथ यानी ब्रांडिंग के साथ आपको स्क्रीन दिखेगा और इसका आप सेटअप करते हैं। इसका सेटअप करने से पहले अभी हम लोग सर्वर का सेटअप कर लेते हैं, यानी मेन कंप्यूटर का। जैसा आप देख सकते हैं ये एन कंप्यूटिंग डिवाइस आपका बूटिंग हो रहा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ रहा है एन कंप्यूटिंग। बूटिंग होने के बाद यह आपको एक इंटरफेस देगा जहां से आप इसका टोटल सेटअप कर सकते हैं, यानी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आईपी क्या होगा, प्लस आप तीनों क्लाइंट के लिए यूजर कौन कौन सा चूज करके रखना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका बूटिंग होके ऑन हो चुका है। इसका सेटअप हम लोग बाद में करेंगे, यानी आगे करेंगे। जैसा कि आप एन कंप्यूटिंग का टोटल हार्डवेयर सेटअप देख चुके हैं, यानी कौन से क्लाइंट को प्लस कौन सा वायर किस पोर्ट में हम लोग लगाएंगे वो कनेक्शन आप लोग देख चुके हैं। अब अगला हम लोग का बचता है मेन सर्वर का सेटअप और उसके बाद क्लाइंट का सेटअप, यानी मेन क्लाइंट का सेटअप। सर्वर सेटअप में हम लोग अभी यूजर क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आईपी हम लोग को सेट करना है। उसके बाद हम लोग क्लाइंट के तरफ बढ़ेंगे, क्लाइंट में हम लोग को कुछ यूजर्स का सेटिंग करना होगा और उसमें हम लोग को आईपी लगाना होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर यूजर क्रिएट करते हैं। नॉर्मली यूजर क्रिएट करने के लिए लोग कंट्रोल पैनल का यूज करता है यहाँ यूजर अकाउंट में, लेकिन आपको यहाँ से क्रिएट नहीं करना है, आपको थिन क्लाइंट के लिए या तो फिर एन कंप्यूटिंग के लिए यूजर क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ दिस पीसी आइकन पे आके, या अगर विंडोज 7 है तो माई कंप्यूटर आइकन पे आके राइट क्लिक करके मैनेज में आना है और लेफ्ट साइड में आपको दिखता है यहाँ पर लोकल यूजर्स एंड ग्रुप, इसके अंदर यूजर्स को क्लिक करेंगे और राइट साइड में यहाँ आपको दिखेगा मोर एक्शंस के अंदर न्यू यूजर। न्यू यूजर में यहाँ पर सबसे पहले यूजर नेम टाइप करेंगे, आपको जो भी यूजर नेम चाहिए। मैंने ऑलरेडी यूजर 27 तक बना चुका है और अभी हम लोग 28 से बनाते हैं, MCI 28 पहले से मैंने बना के रखा था, तीन ही छोड़ा था ताकि मैं आपको ये तीन यूजर क्रिएट करके सिखा सकूं। MCI 28, MCI 29, पासवर्ड 123123 और ये अनचेक करके हम लोग यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड दोनों को चेक कर देंगे। क्रिएट MCI 30 123123, ये मेरा टोटल यूजर क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं आपको टोटल यूजर दिखा देता हूँ, उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में आएंगे, यहाँ यूजर अकाउंट्स और यहाँ आपको मिलता है मैनेज अनदर अकाउंट्स, क्लिक करेंगे इसको, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल यूजर क्रिएट हो चुका है। अब अगला हम लोग का काम बचता है रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग में यूजर को ऐड करना। उसके लिए आपको दिस पीसी आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना है और यहाँ लेफ्ट साइड नेविगेशन पैन में आपको मिलता है सबसे नीचे रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिमोट डेस्कटॉप डिजेबल होता है यानी ऑफ होता है, इसको हम लोग अनेबल कर लेंगे यानी ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ये एक बार आपको कन्फर्मेशन मैसेज देगा, कन्फर्म कर लेंगे इसको और उसके बाद आप जितना भी यूजर क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पर ऐड करना होगा। यूजर ऐड करने के लिए आपको यूजर अकाउंट्स में नीचे दिखता है यहाँ पर सेलेक्ट यूजर्स दैट कैन रिमोटली एक्सेस दिस पीसी, चेक करेंगे इसको यानी क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे टोटल यूजर को। यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको एडवांस को क्लिक करना है, एडवांस में राइट साइड मिलता है आपको फाइंड नाउ, फाइंड नाउ को क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके MCI 1 देख सकते हैं यहाँ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लास्ट पे आएंगे और शिफ्ट के साथ हम लोग MCI 9 को क्लिक कर दिए।
एक बार में टोटल यूजर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद ओके को क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यूजर का लिस्ट आ चुका है। लिस्ट आने के बाद अभी हम लोग ओके को क्लिक करेंगे, फिर ओके, यूजर हम लोग का ऐड हो चुका है, यानी यूजर क्रिएट भी कर लिए, यूजर ऐड भी कर लिए। अब अगला काम हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, यानी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा इस कंप्यूटर में एन कंप्यूटिंग का। तो एन कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च करना है आपको एन कंप्यूटिंग, उसके बाद एन कंप्यूटिंग का यहाँ वेबसाइट आपको दिख जाता है www.ncomputing.com, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले अपना आईडी लॉगिन करेंगे, अगर आपके पास आईडी बना हुआ नहीं है तो आप रजिस्टर्ड को क्लिक कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन अकाउंट, और यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड जो जो है उसको आपको फिलअप करना है, यूजर नेम देना है, ईमेल आईडी देना है, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन वगैरह ये सब फिल करके टोटल डिटेल्स, और आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट को। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको एक सपोर्ट का मेन्यू दिखता है, सपोर्ट में आने के बाद सबसे नीचे आपको मिलता है यहाँ पर डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ को क्लिक करेंगे और इसमें आपको अपना विंडो चूज करना है और प्रोडक्ट का मॉडल चूज करना है, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मॉडल में हम लोग चूज करेंगे MX100S, हम लोग का मॉडल है एन कंप्यूटिंग का MX100S, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज़ 10, अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करते ये सॉफ्टवेयर फाइंड करके दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका वी स्पेस प्रो इंटरप्राइजेज, तो इंटरप्राइजेज वर्जन आप लोग को डाउनलोड नहीं करना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है, ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको फ्री वर्जन वाला चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे मिलता है वी स्पेस प्रो LTS, यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। ये पेड वर्जन वाला है, मतलब इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा और प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी वगैरह देता है, वो आप डिटेल्स यहाँ इसका पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी डाउनलोड करते हैं वी स्पेस प्रो LTS, इसको डाउनलोड कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम में अब लेटेस्ट वाला दे दिया है विंडोज़ 10 का, ये प्रो एडिशन लेटेस्ट वाला, पहले ये नहीं था, यानी पहले विंडोज़ 10 एन कंप्यूटिंग के थ्रू नहीं चलता था, अब चलता है, यानी अब हम लोग विंडोज़ 10 के साथ भी एन कंप्यूटिंग कनेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड को क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगाएगा, इसको अभी हम लोग स्किप कर देते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोग डाउनलोड फोल्डर में आते हैं और वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे। डाउनलोड फोल्डर में यहाँ आप देख सकते हैं वी स्पेस प्रो LTS 11.3.7 वर्जन है, इसको ओपन करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले अपने PC में इंस्टॉल कर लेंगे। वी स्पेस प्रो डबल क्लिक करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको कभी भी इंस्टॉल करना है तो हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए कैंसिल और नेक्स्ट में पॉजिटिव ऑप्शन आपका नेक्स्ट है, यानी आपको बैक और कैंसिल नहीं करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आई एक्सेप्ट इंस्टॉल, इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा, यस करेंगे इसको। तीन ऑप्शन आपको ऑडियो वगैरह के लिए एक्सेप्ट करने के लिए भी यहाँ पर देगा ये, इसमें एक्सेप्ट करने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पहले हम लोग एक बार सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल कर चुके थे, रिमूव करके मैं आपको फिर से ये इंस्टॉल करने बता रहा हूँ इसीलिए। अब इसको हम लोग को रिस्टार्ट करना होगा मेन सिस्टम को, यानी सर्वर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे तभी आगे इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना होगा और IP सेट करना होगा, तभी हम लोग क्लाइंट में कनेक्ट कर सकते हैं। मेन सर्वर रिस्टार्ट कर देने के बाद जब आपका सिस्टम दोबारा ऑन हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वी स्पेस मैनेजर लॉन्च होके, यानी ओपन होके इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगा। इसको हम लोग यस करके सबसे पहले एन कंप्यूटिंग का आपका जो आईडी बना हुआ है उसको हम लोग लॉगिन कर लेंगे, यानी
रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी मेरे पास पहले से एन कंप्यूटिंग का अकाउंट है, क्लिक किए इसको। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करना है, जिस ईमेल आईडी से आपका एन कंप्यूटिंग अकाउंट बना हुआ है, वो ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर दिए। ईमेल आईडी टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद लॉगिन एंड रजिस्टर द सर्वर को क्लिक कर देंगे। ये लॉगिन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट ऑफलाइन बता रहा है, क्योंकि एक भी क्लाइंट अभी हम लोग, यानी एक भी एन कंप्यूटिंग डिवाइस कनेक्ट करके नहीं रखे हुए, और साथ ही साथ अभी हम लोग आईपी भी नहीं लगाए हैं। इसका और सेटिंग कर लेते हैं। एक सेटिंग इसमें है क्या, जैसे अगर आप एन कंप्यूटिंग यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो बार बार आपको स्टार्टिंग में ये यूजर चूज करने के लिए देगा, अगर आप ढेर सारा यूजर क्रिएट करके रखे हैं तो। अगर आप चाहते हैं मेन सिस्टम का यूजर आपका ऑटो ऑन हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको वी स्पेस कंसोल को क्लिक करना है, और यहाँ से हम लोग सर्वर सेटिंग में आएंगे, उसके बाद डेस्कटॉप यानी आपके जो भी यूजर का नाम रहेगा, आपके कंप्यूटर का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर आएगा, क्लिक किए इसको। उसके बाद सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में यहाँ आपको दिखता है अनेबल ऑटो लॉग ऑन, क्लिक करेंगे इसको। यूजर नेम दे देंगे, मेन सिस्टम का यूजर है मेरा मॉडर्न टू, और पासवर्ड 123, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अब जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे तो यूजर चूज करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट मॉडर्न टू ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। क्लोज करते हैं इसको। अब इसको भी क्लोज किए। अब अगला हम लोग का बसता है आईपी सेटिंग, यानी आईपी सेटिंग कैसे करेंगे, आईपी कौन सा जिसमें हम लोग डालेंगे। उसके लिए आपको करना है क्या, सबसे पहले आप ये सीख लीजिए, ये समझ लीजिए कि आईपी रेंज आप क्या क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। जैसे कि बहुत लोग यूज करता है 192.168.0.1 या 1.1, वो आपको नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है, अगर आप वाईफाई राउटर यूज करते हैं तो लगभग राउटर का आईपी यही होता है लॉगिन आईपी, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, यानी आईपी फ्लक्चुएशन हो सकता है। और अगर आईपी फ्लक्चुएशन होगा तो कभी हो सकता है आपका क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो, या तो कभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो, तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा आईपी यूज करना है। जैसे हम लोग अभी लगाते हैं इसमें 192.168.3.30, ये आईपी हम लोग इसमें देते हैं। या आईपी रेंज आप इंटरनेट पे भी गूगल सर्च कर सकते हैं, वो आपको ढेर सारा मिल जाएगा, जो आप आईपी यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम लोग सर्वर में 31 देंगे तो क्लाइंट में आपको इसके बाद का देना है, मतलब 192.168.3.31, उसके बाद दूसरे में 32, लास्ट में इस तरह से सब में आपको एक एक बढ़ाते जाना है 3.32। अगर 10 डिवाइस है मेरा तो 40 तक जाएगा। इस तरह से आपको हर एक क्लाइंट में देना है। ये आईपी हो जाएगा क्लाइंट के लिए, और ये आईपी हो जाएगा आपका सर्वर के लिए। तो अभी हम लोग इसमें आईपी लगाते हैं, क्लोज किए इसको। आईपी लगाने के लिए आपको यहाँ नीचे नेटवर्क आइकन दिखता है टास्क बार में, राइट क्लिक करेंगे इसको और ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको नीचे दिखता है चेंज एडाप्टर ऑप्शन, क्लिक करेंगे इसको। आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट वाला इंटरनेट कनेक्ट है, और ये फर्स्ट वाला आपका अनप्लग्ड है, क्योंकि अभी इसका वायर हम कहीं भी प्लग्ड नहीं किए, यानी कहीं भी लगाया नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आईपी लगा देते हैं, डबल क्लिक किए इसको। आईपी आपको लगाना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में, यानी आईपी वर्जन 4 में, डबल क्लिक किए इसको। यूज़ द फ्लोइंग आईपी एड्रेस 192.168.3.30, टाइप किए, ऑटोमेटिक 555.0 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस सर्वर कुछ नहीं देना है, ओके कर देंगे। ओके क्लोज। अब अगला सेटिंग हम लोग का बसता है एन कंप्यूटिंग मेन क्लाइंट का, तो हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे मेन क्लाइंट के तरफ। चलो
सर्वर सेटअप कर लेने के बाद अब हम लोग का अगला काम बचता है एंड कंप्यूटिंग का मेन क्लाइंट को सेटअप करना आईपी प्लस यूजर के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वी स्पेस प्रो यानी एंड कंप्यूटिंग का एक इंटरफेस आया है। यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं सेलेक्ट वी स्पेस कनेक्शन, ये अवेलेबल कनेक्शन में आएगा जब आप आईपी दीजिएगा और ये ऑटो डिटेक्ट करता है। अगर आप गलती से यहाँ इंटर ए वी स्पेस होस्ट नेम और आईपी एड्रेस को क्लिक कर देते हैं तो आपको अपना डिवाइस रीसेट करना होगा। बिना रीसेट किए हुए आप आगे काम नहीं कर सकते। फिर अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए, इस ऑप्शन को हम लोग बंद भी कर सकते हैं, अगर गलती से कभी ऐसा हो जाए यहाँ चेक कर दे कोई, तो आप रीसेट करने के लिए एन कंप्यूटिंग के पीछे में देख सकते हैं कि रीसेट बटन मिलेगा आपको। यहाँ पर ये रीसेट का होल है, इसमें आप पिन के थ्रू रीसेट कर सकते हैं। कोई भी पिन डाल के दाबे रखिएगा 5 सेकंड तक, ये रीसेट हो जाएगा डिवाइस। उसके बाद फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ डिवाइस सेटअप में आना होगा और सबसे पहले हम लोग इंटर ए वी स्पेस इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। डिवाइस सेटअप में आपको यहाँ मिलता है ऑटो डिस्कवर और मैनुअल आईपी। ये मैनुअल आईपी को हम लोग अनचेक कर देंगे, ऑटो डिस्कवर सिर्फ हम लोग ऑन रहने देंगे। सेव कर दिए। अब आप देख सकते हैं ये नीचे वाला था जो इंटर ए वी स्पेस, ये आपका धुंधला हो गया, यानी अब चाके भी यहाँ पर कोई क्लिक नहीं कर सकता है, यानी बार बार आपको अपना डिवाइस रीसेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला हम लोग डिवाइस सेटअप में आए और सबसे पहले हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं। नेटवर्क में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ डायनामिक आईपी है यानी DHCP है, इसको हम लोग स्टैटिक आईपी करेंगे। और जैसा कि सर्वर में हम लोग आईपी लगाए थे 192.168.3.30 और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि 30 के बाद आपको देना है ये सर्वर में जो 30 आप लगाए हैं 30 के बाद आपको क्लाइंट में देना है। जैसे कि मैं 31, 32, 39 तक यूज कर चुका हूँ, अभी इसमें हम लोग 40 देंगे यानी 192.168.3.40। और उसके बाद ये गेटवे और DNS सर्वर 1 और 2 दोनों को डिलीट कर देंगे, ये बाय डिफॉल्ट 0.0 हो जाएगा। उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई जैसे आप करते हैं इसको, ये आपको नेटवर्क सर्च करके देगा, ये बूट करेगा फिर से। ओके कर दिया अप्लाई करने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रीबूटिंग लिया, यानी ये डिवाइस ऑटो ऑफ हो जाएगा और फिर से आपका ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद इस बार ये आपको नेटवर्क सर्च करके दिखाएगा। उसके बाद हम लोग यूजर का सेटिंग करेंगे। यूजर का सेटिंग इसलिए हम लोग को करना पड़ेगा, अगर आप यूजर का सेटिंग नहीं करते तो भी ये डिवाइस अभी आपका कनेक्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप कनेक्ट कीजिएगा तो यूजर का लिस्ट आ जाएगा टोटल 1 से 30 तक, यानी MCI 1 से MCI 30 तक। उसके बाद उसमें आपको यूजर चूज करना होगा कौन से PC में आपको कौन सा यूजर कनेक्ट करके चलाना है। तो बार बार प्रॉब्लम होता है ये इसमें कि अगर पहले से कोई यूजर चूज करके चला रहा है और यहाँ आप उसको ओपन करते हैं तो पहले वाला यूजर ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें यूजर का भी सेटिंग कर लेंगे अभी और डिवाइस में पासवर्ड लगा देंगे ताकि हर कोई इसके सेटिंग को चेंज नहीं कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रीबूटिंग होके ऑन हो चुका है। अब हम लोग इसमें केबल कनेक्ट करेंगे, यानी मेन सर्वर से जो आपका एक वायर आया है लैन वायर, उसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट आप 3 सिस्टम चला रहे हैं, मतलब ये एक ही एन कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग ये लैन वायर लगा देंगे। अगर आप ढेर सारा ये एन कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं तो पहले आपको एक स्विच में पावर देना होगा, यानी ये लैन स्विच है टीपी लिंक का ही, ये भी 1000 में है। इसमें हम लोग एक इन किए और 7 पीस आउट कर सकते हैं। ये 8 पोर्ट वाला स्विच है, आप 16 पोर्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, 4 पोर्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है आप अपने अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक लाइन वायर हम लोग स्विच से कनेक्ट करके एन कंप्यूटिंग में कनेक्ट करेंगे।
अगर सिंगल है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें वायर लगा देंगे, अगर आप मल्टीपल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये लैन स्विच का यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, वायर कनेक्ट कर चुके हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ रिफ्रेश का बटन मिलता है, क्लिक करेंगे इसको, ये टाइम लगाएगा थोड़ा क्योंकि अभी ही कनेक्ट किए हैं इसको। अब आप देख सकते हैं नेटवर्क स्कैनिंग करके यहाँ पर डेस्कटॉप आ चुका है अवेलेबल कनेक्शन में। आप अभी चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह होगा कि आपको सब के लिए यूजर चूज करना होगा, यानी यूजर क्लिक करके पासवर्ड देके लॉगिन करना होगा। अगर आप चाहते हैं ऑटो ये ऑन हो जाए तो उसके लिए आपको डिवाइस सेटअप में फिर से आना है, और डिवाइस सेटअप में आपको मिलता है यहाँ पर लॉगिन सेटिंग्स। लॉगिन सेटिंग्स को क्लिक किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन 1, 2 और 3 है, यानी तीनों क्लाइंट के लिए 3 स्टेशन है। इसमें हम लोग स्टेशन 1 को चेक किए, स्टेशन 1 में हम MCI 28, 29 और 30 ये देना चाहते हैं। तो MCI 28 पासवर्ड 123, स्टेशन 2 चेक किए, इसका यूजर नेम MCI 29 पासवर्ड 123, सेम उसी तरह स्टेशन 3 में MCI 30 और पासवर्ड इसका 123। सेव कर दिए इसको। सेव कर लेने के बाद अब कनेक्ट करेंगे तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग और एक चीज कर लेते हैं, क्या डिवाइस सेटअप में इस डिवाइस सेटिंग का पासवर्ड लगा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी आपके डिवाइस सेटिंग में छेड़छाड़ करके इसको प्रॉब्लम कर सकता है, यानी प्रॉब्लम में ला सकता है, बार बार आपको रीसेट करके फिर से डिवाइस कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पासवर्ड में आएंगे और रिक्वायर्ड पासवर्ड को क्लिक किए और इसमें पासवर्ड टाइप कर देते हैं। आपको जो भी चाहिए आप अपने अनुसार इसमें पासवर्ड दे सकते हैं। री इंटर में फिर से, यानी कंफर्म पासवर्ड देंगे फिर से, उसके बाद सेव को क्लिक कर देंगे। पासवर्ड लगाने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि बिना पासवर्ड के कोई भी डिवाइस सेटअप में इन नहीं कर सकता है, यानी कोई भी आपका सेटिंग बिगाड़ नहीं सकेगा। उसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट को क्लिक करेंगे ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा प्रेस एनी की टू स्टार्ट, ये आपका तीनों में आ जाएगा। कीबोर्ड से आप कोई भी बटन दबा देते हैं तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका सिस्टम कनेक्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप एन कंप्यूटिंग डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। ये एन कंप्यूटिंग का MX100S है, और जैसा कि आप इसका पूरा पोर्ट भी देखें कौन सा वायर हम लोग कहाँ कनेक्ट किए, और फ्रंट में आपको एक USB पोर्ट जिसमें आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, और साउंड पोर्ट भी मिलता है माइक प्लस स्पीकर के लिए, आप इसका भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।